साथियों, अनुदेशक शिक्षा मित्रों से संबंधित एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस महासचिव से उन्होंने बयान दिया कि अगर हमारी सरकार आती है 2022 में तो हम समस्त अनुदेशक शिक्षा मित्र और संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, उनका स्थायीकरण किया जाएगा। हम उनका स्थायीकरण करना चाहते हैं, वो किसी भी सेक्टर में काम करते हों, चाहे वो संविदा पे हों, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हों, हम उनका नियमितीकरण स्थायीकरण करना चाहते हैं। उनका ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं, पूरा समाचार शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज का एक वीडियो। जो संविदा कर्मी है, मैं काफ़ी समय से बड़े ग्रुप्स मेरे पास आते हैं, शिक्षा मित्र के जो स्वास्थ्य काम के सेक्टर में काम करती हैं, और काफ़ी मतलब जो संविदा कर्मी है उनके साथ काफ़ी शोषण हुआ, तो उनका जो नियमितीकरण है वो हम करना चाहते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे वो संविदा कर्मी। साथियों, जैसा कि हमने आपको पूर्व में एक वीडियो बनाकर दिया था और उसमें हमने कहा था कि मैडम से अनुदेशक मिल चुके हैं और अपने चैनल के माध्यम से अपील भी की थी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैडम के पास पहुंच सके, और उन्होंने वादा किया था कि हम आपके बारे में सोचेंगे। देखिए, उन्होंने अब अपना बयान दिया है चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के माध्यम, समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि हमारी सरकार अगर 2022 में आती है तो हम प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, उनका समायोजन करेंगे और उनका स्थायीकरण किया जाएगा। अगर हमारी सरकार आती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो संविदा पे हों या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हों। उन्होंने साफ साफ इस वीडियो में बयान दिया है, साफ साफ उन्होंने कहा है कि समस्त शिक्षा मित्र अनुदेशक और संविदा कर्मियों का प्रदेश में शोषण हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है प्रदेश सरकार पर, वर्तमान प्रदेश सरकार पर, और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार 2022 में आती है तो हम इन सभी को स्थायी करेंगे, उनका नियमितीकरण करेंगे, ऐसा हम करना चाहते हैं। साथियों, बस यही दुआ है, प्रार्थना ईश्वर से, सरकार किसी की भी आए लेकिन हमारा स्थायीकरण, समायोजन, हमारा नियमितीकरण ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम बखूबी करना जानते हैं साथियों, और कर भी रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को हम लोगों ने सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यूपी बेसिक स्कूल्स में साथियों, और आगे भी हम अपना 100% देते रहेंगे, देते रहेंगे, अपनी सेवाएं देते रहेंगे देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए और समाज के लिए, समाज में अपने नौनिहाल बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए। साथियों, हमें अपना काम बखूबी आता है। अभी आपने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा किस तरीके से हमारे भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं लीडर्स। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।